गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 की रीडिंग की थी और क्वेश्चन आंसर भी ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क था। आई थिंक यू कंप्लीट योर होमवर्क। ओके, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 3 में पेज नंबर 22 ओपन करें आप लोग। यहाँ पे हमको कुछ ग्रामर पोर्शन दिया गया है, तो इसको हम करेंगे। ग्रामर पोर्शन में हम रीड करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है होमोफोन्स वर्ड। होमोफोन्स वर्ड क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। एक बार दोबारा देखते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम, मतलब ऐसे वर्ड जो कि जिनका क्या साउंड क्या होता है, सेम होता है, बोलने में एक जैसे लगते हैं, जिसके प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या होता है, एक सा ही लगता है। बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, बट उनकी स्पेलिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। एंड डिफरेंट मीनिंग, और उनका मीनिंग भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल सन, सन यहाँ पे बोलने में हम इसको भी सन पढ़ेंगे और इसको भी सन ही रीड करेंगे, परंतु यहाँ जो सन है एस ओ एन, यहाँ पे जो सन है एस यू एन, स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है। ये वाला पार्ट हमारा क्लियर। फर्स्ट देखो साउंड सेम है, सन सन, फर्स्ट क्लियर। सेकेंड हमारी क्या है, डिफरेंट स्पेलिंग, तो यहाँ पर एस ओ एन एस यू एन, डिफरेंट स्पेलिंग। ओके, अब यहाँ पर मीनिंग देखते हैं। सन मतलब बेटा और इस सन मतलब सूरज, तो यहाँ पर इसका मीनिंग भी डिफरेंट हो गया। तो ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है परंतु स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स वर्ड कहते हैं। ओके, अब हम इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या, ए पेयर ऑफ होमोफोन्स, मतलब जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो क्या है, इनकम्प्लीट है, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में एक जैसे ही दो वर्ड दिए गए हैं, वही चीज़ यहाँ पे क्या है, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। आपको स्पेलिंग और मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसका मीनिंग निकालना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा वर्ड करेक्ट है। ओके, फर्स्ट देखते हैं। मिस्टर जैन हैज ए डॉटर एंड आ, अब यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर जैन है जो है उनकी क्या है, एक डॉटर मतलब बेटी है, तो एक क्या होगा, सन एस यू एन सन या एस ओ एन सन। अब यहाँ पे हमने देखा एस यू एन सन तो हमारा सूरज है, अगर एक बेटी है तो क्या एक सूरज होगा, नो, यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट वर्ड आएगा, एस ओ एन सन। तो मिस्टर जॉन की एक बेटी है और एक बेटा है। इसी तरह नेक्स्ट, देयर आर सेवन डे इन ए, क्या होगा, देयर आर सेवन डेज, सात दिन होते हैं, किसमें होते हैं, डब्ल्यू ई ए के वीक, वीक मतलब कमजोर, या डब्ल्यू डबल ई के वीक, वीक मतलब सप्ताह, कमजोर सात दिन होते हैं या सप्ताह में सात दिन होते हैं। यहाँ देखो वीक और वीक सेम है, तो यहाँ पर कौन सा वाला वीक आएगा, कमजोर वाला या सप्ताह वाला, सप्ताह वाला डबल ई के वाला वीक। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या फिल किया है, वीक। नेक्स्ट देखते हैं, आई कुड नॉट वॉट द टीचर सेड, मैं नहीं जानता टीचर ने क्या कहा। अब यहाँ पे क्या होगा, हेयर मतलब मैंने नहीं सुना टीचर ने जो कहा। अब हेयर मतलब एच, देखो यहाँ पे आपको स्पेलिंग पहचानना है, एच ई आर ई, हेयर मतलब यहाँ, एच ई ए आर मतलब सुनना। अब यहाँ वाला हेयर आएगा यहाँ पे या सुनने वाला, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, आई कुड नॉट वॉट द टीचर सेड, मैं नहीं जानता टीचर ने क्या कहा, तो यहाँ पे क्या होगा, सुना, मैंने नहीं सुना टीचर ने क्या कहा, तो हमें कौन सा वाला हेयर फिल करना है, सुनने वाला। इसी तरह द लॉइन रन आफ्टर ए डियर, तो लॉइन ने रन किया डियर प्यारा वाला, या फिर डियर हिरन वाला, तो हिरन के बाद, लॉइन ने किसके बाद रन किया, डियर के बाद, तो यहाँ पे आपको क्या बनना है, हिरन। माय यंगर सिस्टर इज डैश ईयर ऑल, अब देखो यहाँ पर इस टू का मतलब क्या है, ज़्यादा, और इस टू का मतलब क्या है, टू, नंबर ऑफ टू वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, माय यंगर सिस्टर इज टू ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर कौन सा वाला टू आएगा, टी डब्ल्यू ओल्ड वाला टू। राजू विल बाय बाय या बाय ए न्यू कैब फ्रॉम ए फेयर, अब मेले से हम खरीदते हैं, यहाँ पे देखो हमें तीन वाय दिए गए, सेम ही है इनका प्रोनाउंसिएशन, वी वाय बाय
मतलब हम क्या, के द्वारा, बी यू वाई मतलब खरीदना, और बी वाई ई मतलब अलविदा। अब राजू ने मेले से कैब को अलविदा कहा, नो। के द्वारा मेले से द्वारा, नो। यहाँ पर राजू ने मेले कैब को क्या किया है, मेले से क्या किया है, न्यू कैब को खरीदा है। तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग आएगी, बी यू वाई। इसी तरह डैश योर नेम इन बोल्ड लेटर, तो यहाँ पे आर आई जी एस टी राइट मतलब सही, या फिर डब्ल्यू आर आई टी राइट लिखना, वेरी गुड, डब्ल्यू आर आई टी राइट। योर नेम इज बोल्ड लेटर, अपने नाम को किस में लिखो, बोल्ड लेटर, बड़े कैपिटल लेटर में। सुनील नोस या नो हाउ टू रीड राइड ए बाइसिकल, सुनील ने क्या किया, साइकिल चलाना जानता है या नोज, ये नोज एनओ ऐसी नोज आपकी जो हमारा बॉडी पार्ट से, और ये नोज मतलब जानना, तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, नोज, के एन ओ डब्ल्यू एस, वेरी गुड। इंडिया वन ओ एन ई वन या डब्ल्यू ओ एन वन, द फाइनल मैच, एक फाइनल मैच या जीत गई फाइनल मैच, जीतने वाला, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, डब्ल्यू ओ एन। कैरेट इज ए वेजिटेबल, तो रूट मतलब जड़ वाला वेजिटेबल है, तो यहाँ पर कौन सा वाला रूट आएगा, रूट या रूट, ये रूट रास्ता, ये रूट आपका जड़, तो वेजिटेबल कैरेट क्या है, हमारा जड़ वाला पार्ट है। नेक्स्ट, देयर आर टू रोज या रोज, लाइन या गुलाब, ऑफ प्लांट्स इन द माई गार्डन, तो मेरे यहाँ दो रोज है या रोज है, तो मेरे यहाँ प्लांट्स की गार्डन में दो लाइनें हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, लाइने वाला रोज आएगा, तो आर ओ डब्ल्यू एस वाला, ओके। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट, अब हम देखते हैं, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, तो यहाँ पर दिया गया आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ये इनकम्प्लीट है, और यहाँ पर जो हमें एक फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, तो उसके लिए हमें क्या कह रखा है, जो हमारी ब्रैकेट में जो हमारी वर्ब दी गई है उसकी करेक्ट फॉर्म हमें भरना है, जैसे कि वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ये हमें पहचानना है और उसकी हमें करेक्ट वर्ब इधर फिल करना है। तो सबसे पहले हम अपना सेंटेंस देखते हैं, व्हेन मोनू वाज रूटीन फ्रॉम स्कूल ही डैश अ 10 रुपीज नोट अंडर अ ट्री, यहाँ पर देखो हमारा जो पहला सेंटेंस है, when मोनू वॉज रूटीन, मतलब हमारा जो वॉज आ रहा है मतलब हमारा सेंटेंस कौन सा है, पास्ट में वाला, यहाँ पे क्या बता रहा है, पास्ट बता रहा है हमें कि हमारा जो सेंटेंस है पास्ट का है, तो हमें पास्ट में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, सेकेंड फॉर्म, तो हमारी फाइंड की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, फाउंड, तो हमने यहाँ पे क्या फिल की है, फाउंड। इसी तरह हम बाकी सेंटेंस देखते हैं, व्हेन वॉज डूइंग माई होमवर्क माई फ्रेंड डैश टू मीट मी, अब यहाँ पे भी देखो वो क्या बोल रहा है, व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैंने जब अपना होमवर्क किया था, तो वो भी पास्ट में आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कम की कौन सी फॉर्म यूज करना है, सेकेंड फॉर्म, और कम की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, कैम। इसी तरह हर सेंटेंस में हमें देखना है, यहाँ पे भी हमारा पास्ट सेंटेंस है, यहाँ पे स्टूडेंट्स वर मेकिंग, तो यहाँ पर इंगेज का क्या आएगा, इंगेज्ड, यहाँ पर मैंने भी क्या किया है, इसको डी लगाकर पास, सेकंड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की है, सेकंड फॉर्म। इसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन मीनू वाज फीलिंग हंग्री, मतलब जब मीनू को भूख महसूस हो रही थी, यहाँ पर भी वॉज है, तो हमारी कुक की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। व्हेन माई फादर वाज टेकिंग अ बाथ, जब मेरे फादर नहा रहे थे, तो यहाँ पर भी वॉज है, यहाँ पर भी हमारा पास्ट सेंटेंस है, पास्ट में बोला गया सेंटेंस, तो रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, रेंज, आर ए एन जी, रेंज, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन निधि वाज लर्निंग हर लेसन, यहाँ पर भी देखो वाज आ रहा है, तो हमारा वाज में हम क्या यूज करेंगे पास्ट टेंस में, सेकेंड फॉर्म, तो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉट, बी आर ओ यू जी एस टी, ब्रॉट, ओके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर 3 कम्प्लीट हो चुका है, आई नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप इसको एक बार और करेंगे और इसी तरह कुछ अपने सेंटेंस भी बनाने की एक बार कोशिश करेंगे, ओके। तो आपका 2 सेंटेंस
आपका होमवर्क यही है कि इस तरह से आप 2 सेंटेंस बनाएंगे, अपनी नोटबुक्स में उसको नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।